ये पैसे मैं अपनी प्रिय सहेली सिंधु के हाथ से लूंगी। सिंदूर दे दो। धन्यवाद। रणवीर, रणवीर, इसका मतलब अब इस रूम में रणवीर ने लग गया है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज आपके MBA के प्रेजेंटेशन का पहला दिन है। हर ग्रुप को अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करने के लिए 5 मिनट दिए जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे हम रणवीर मित्तल और सुमन परमार से। सर एक्चुअली वो मेरी टीममेट अभी तक आई नहीं है, तो अगर आप कहें तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन पहले दे देता हूँ। रणवीर, अगर आपको 2 लोगों के हिस्से का खाना खाने को कहे तो क्या आप खा सकेंगे? तो मैं आप में से किसी एक के प्रेजेंटेशन से दोनों को रैंक्स कैसे दे सकता हूं? इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे तो लग रहा है कि प्रेजेंटेशन के डर से बहन जी आज आने ही नहीं वाली। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो रणवीर? यू नो ना इंदौर में कितना ट्रैफिक है, हो सकता है बेचारी ट्रैफिक में फंस गई हो। फिर मैं देख के आता। क्या करूं मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपने बच्चे को लेने जाऊंगी। अबे यार, अरे यार, ये प्रोफेसर भी था, इस लड़की को मेरा टीममेट बनाकर पता नहीं कौन सा बदला ले रहा। अब कहां ढूंढूं पूरे कॉलेज में उसे? कोई तो हमारी मदद करो। आशा को बता दूं तो वो परेशान हो जाएगी। हमें कुछ करना पड़ेगा। किसे फोन करें? किसी का नंबर भी नहीं है हमारे पास। क्या करें? बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी। महाकाल, फैशन की फूफी थारे पे भी अंतरा का भूत सवार हो गया, जो तूने भी तोड़ फोड़ शुरू कर दी। शौक लगा मासा, शौक। अरे मारे को तो कोई नंगी तारे नहीं दिख रही, कैसा शौक लग रहा तेरे को? मासा, आप किचन में करछी ला रहे हो, ये किसी शौक से कम है क्या? अरे पगलेट, जे करछी तो मैं अपना भविष्य सुनहरा बनाने के लिए चला रही हूँ। अपनी प्रिय सहेली, माय बेस्ट फ्रेंड के लिए उसकी मनपसंद मखाने की खीर बना रही हूँ। जे मैंने सिंदूरा को एहसास दिला दिया कि मैं उसकी इकलौती हमदर्द, तुम्हारे तो बारे न्यारे हो जाएंगे। क्या चतुर दिमाग पाया आपने, बिल्कुल मंत्रा जैसा। ए छोरी, तुम्हारी तारीफ कर रही है कि किल्ली उड़ा रही है? वो मासा गलती से ना मिस्टेक हो गई, कहना तो मैं चाणक्य चाहती थी, वो गलती से मंत्र निकल गया। छोड़ चाणक्य की कूटनीति और जे इलायची कूट ले। मासा मुझे ना अरे सुमन ना, जब से कॉलेज जाने लगी पता नहीं कौन सी चीज कहाँ धर देवे। कोई है? हमें यहाँ से बाहर निकालिए। अब बचे हैं सिर्फ रणवीर और सुमन। सर एक्चुअली मुझे लगता है कि सुमन आज कॉलेज नहीं आई। इफ यू अलाउ मी तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन अकेले देना चाहता हूँ, प्लीज सर, आई इंसिस्ट। अगर आपको याद है तो मैंने साफ साफ कहा था कि ये एक टीम एफर्ट है, जिससे आप दोनों को बराबर का हिस्सेदार होना चाहिए था। एनीवेज, क्योंकि आज सुमन कॉलेज नहीं आ पाई है तो मैं आप दोनों का प्रेजेंटेशन कल सुनूंगा। ओके, नाउ इट्स ओवर फॉर टुडे। Thank you, sir. हमारी मदद कीजिए।
मेरा बच्चा वहां इंतजार कर रहा होगा, मुझे किसी भी तरह यहां से बाहर निकलना होगा। सुमन तुम यहाँ? सर हमें यहाँ से बाहर निकाले, हम यहाँ फंस गए हैं, दिखा लिए ना सर। अरे गोपाल आओ यहाँ पे। सर माफ कर दीजिए, पर हम कल आकर आपसे पूरी बात करते हैं, अब हमारा जाना जरूरी है। हाँ सर अब जाइए। वीर बाय, मेरे मामा गए। बाय। सब लोग चले गए पर अब बस माँ ही नहीं आई। रिक्शा तो यही खड़ा रहता है। वीर, वीर। क्या हुआ भांजी? भाई साहब मेरा ना बच्चा यही खड़ा रहता है, रोज मेरा इंतजार करता है। आज मुझे देर हो गई, आपने किसी बच्चे को देखा क्या? नहीं स्कूल तो बंद हो गया, तो घर चला गया होगा वो। आप फोन करके पूछ दो घर पे। शायद घर है तुलसी भैया। सिंदूर रानी की खीर भी तैयार होगी। ओ फैशन की फूफी फोन बज रहा है, सुनाई ना दे रहा है? उठा। इसमें क्या है मासा? ये लो भाभी सा का फोन है। अरे इसे भी यही टाइम मिला था। हेलो ले पकड़। मासा मासा फिर घर पहुंचा क्या? घर पहुंचा? अरे वो तो थारे साथ आवे ना लड्डू गोपाल। हाँ मासा, पर मैं उसके स्कूल के बाहर ही खड़ी हूँ, वो नहीं है यहाँ। नहीं है? अरे थारी आंखें चुंदी आ गई धूप में, ठीक से देख उसे स्कूल में। मासा स्कूल के गेट पर ताला लगा हुआ है, मैंने हर जगह उसे देखा, वो कहीं नहीं है। मासा मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर देख सुमन, अगर मारे पोते को खरोच भी आए ना, मारे से बुरा कोई ना होगा। थारी जिम्मेदारी है मारा पोता, उसे सही सलामत घर लेके आ। फिर घर पर भी नहीं, कहाँ जा सकता है मेरा बच्चा? बताओ कितनी खुश होके मैंने खीर बनाई थी, पर इसने फोन करके हमारी तो जान ही निकाल दी। हमारे को तो बड़ा डर लग रहा है, आए दिन टीवी में अपहरण की खबरें, हमें हमारे पोते को कुछ हो गया तो मैं तो जहर खा लूंगी। चुप चुप बोलिए मासा, कुछ नहीं होगा वीर को, भाभी लेकर ही आती होंगी उसे। मासा प्लीज आप टेंशन मत लीजिए ना, कामा का आपका बीपी बढ़ेगा, और अगर आपको सिंदूरा आंटी के यहाँ जाने की टेंशन है तो आप कहे तो मैं चली जाऊंगी। हाँ जे ठीक रहेगा। और सुन अकेली ना जाना, अंतरा को साथ लेके जाना। चला Thank you.
कौन सी आप? कृष्णा कांत। घबराओ मत। वैसे प्रभु एक बात बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसको दर्शन दे रहे हैं? स्कूल के कपड़े में हूँ, तो घर ही तो जा रहा हूँ। वैसे आपको कोई लेने नहीं आया? माँ आती है पर आज नहीं आई, लगता है कहीं बिजी होगी। एक काम करते हैं, आज मैं आपको घर छोड़ता हूँ, ओके? पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? माँ कहती है कि अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं। वैसे आपकी माँ बात तो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप और मैं तो दोस्त हैं, है ना? राइट, आप तो मेरे दोस्त हो। लेट्स गो। प्रभु प्लीज घर चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे आपका। हे भगवान, मेरा वीर जहां भी हो उसकी रक्षा करना। वैसे भगवान जी एक बात बताइए, आपने अपनी माम का वेट क्यों नहीं किया? मैंने बहुत वेट किया कृष्ण अंकल, पर भूख के मारे मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लग गई। तो प्रभु बताइए क्या खाना चाहेंगे आप? आइसक्रीम। आइसक्रीम? लेकिन आप मत लाना। क्यों, क्या हुआ? माँ कहती है कि अपने खुशी के लिए दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। अरे वाह, आप तो अपनी माँ की सारी बातें मानते हो। मेरी माँ है ही इतनी अच्छी, तो मैं उनकी बात क्यों नहीं मानूंगा। भाई साहब, यहाँ कोई छोटा बच्चा आइसक्रीम खाने आया था क्या? स्कूल यूनिफॉर्म में? नहीं, मैंने नहीं देखा। लीजिए प्रभु आपकी आइसक्रीम। अंकल आपकी आइसक्रीम कहाँ है? दोस्त वो कहना कि मैं आइसक्रीम नहीं खाता, आप इंजॉय करो। तो मैं भी नहीं खाऊंगा। आप आइसक्रीम को मना कर रहे हो? माँ सिखाती है कि अकेले खाना बुरी बात है। अच्छा जी, अब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करें? आइडिया, आप मेरे आइसक्रीम से एक बाइट खा लो तो शेयरिंग हो जाएगी और मैं भी खा लूंगा। ठीक है प्रभु, जो आपकी आज्ञा, लाइए। हैप्पी, नाउ यू ईट। वैसे प्रभु आपकी मॉम ने आपको बहुत अच्छी बातें सिखाई, लगता है कि उनसे मिलना पड़ेगा। ए आंटी। हाँ। मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक, बस ठीक, अच्छी लग रही हूँ। थैंक यू। इधर लाओ और दरवाजा बंद कर। ये स्कीम वर्क करेगी, 5,000 की शॉपिंग पे 500 का गिफ्ट वाउचर फ्री मिल रहा है। बिल्कुल, जैसे संजना और साहिल की शादी पे तेरी और उसके छोटे भाई की सेटिंग बिल्कुल सही। चीची, कुछ भी बोलती हो आप, क्यों प्रॉब्लम क्या है? हैंडसम है, रिच है, तुम दोनों की जोड़ी ना परफेक्ट है, आगे तेरी मर्जी। तुम किस लिए आई हो यहाँ पर? आपको लगी तो नहीं ना? आंद्रा, इधर आ। जी। तुम यहाँ क्या करने आई हो? सिंदूरा आंटी को खीर देने। आपका नाम अंतरा है? जी, अंतरा परमार। वो एक्चुअली हमारी माँ कलावती परमार सिंदूरा आंटी की दोस्त है, उनको हम खीर देने आए थे। आप ये खीर वहाँ पर रख दो टेबल पर।
उसका भाई। आई रुक जा, मुझे पता है इनको क्या चाहिए। ये तुम्हारी यहां तक खीर लाने की टिप। तुम ना अब जी 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 छोड़ो ना, तुम दोनों यहां। नमस्ते आंटी। ये पाव छूना मुझे पसंद नहीं है। खीर आंटी, माँ ने ना आपके लिए खीर भेजी है। वाह भाभी, कितनी किस्मत वाली हैं आप। आपके लिए तो घर वाले नहीं, बाहर वाले, आपकी सहेली भी कितनी चिंता करती है। आपको ना उनको थैंक यू बोलना चाहिए। श्योर। संजना, राइट? यही नाम है ना तुम्हारा? जी। अपनी माँ कलावती को मेरी तरफ से थैंक यू कह देना, ओके? अरे भाभी, इतनी मीठी मीठी खीर के लिए इतना सूखा सा थैंक यू। इतना तो कोई बाहर वाला भी नहीं करता। चलिए चलिए चलिए, फोन कीजिए, आइए ना। अरे भाभी आइए ना, फोन करिए उन्हें, आइए आइए। जी मैं पकड़ लेता हूँ। हे तुलसी भैया, मेरे घर की रक्षा करना, रक्षा करना। मासा का फोन नहीं है, मासा घर पर परेशान होगी। मैं रिक्शा रिक्शा आ गया आपका घर। आप भी चलो ना हमारे घर। दोस्त आज बहुत काम है, नेक्स्ट टाइम पक्का, प्रॉमिस। पर हम अगली बार मिलेंगे कैसे? अरे हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको अपना टेलीफोन नंबर दे देता हूँ, ओके? बस ये लो। दादी सा। अरे लट्टू गोपा, ठीक तो है ना? कहाँ था तू इतनी देर? हाँ सुनिए दादी सा, पर आप इतनी परेशान क्यों हो? और माँ कहाँ है? वो मुझे स्कूल लेने क्यों नहीं आई? यही सवाल मैं थारी माँ से पूछूंगी। अनिता, आज मेरे आते ही आपने और माँ ने मुझे गले क्यों लगाया? मुझे मिस कर रहे थे क्या? हाँ बेटा। क्यों छोरे को झूठ बोलना सिखा रही है? लड्डू, तुम्हारे को जे बता कि तू अकेले घर कैसे आया? अकेले नहीं, गिरीश अंकल ने मुझे छोड़ा घर तक। गिरीश अंकल? जे कौन है? वही वाले अच्छे अंकल जिन्होंने मुझे तुलसी विवाह के दिन मुझे घर तक पहुंचाए थे। गलत बात है, कभी भी अजनबी इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने थारे वास्ते मखाने की खीर बनाई है, जा। ये। अगर मारे लड्डू गोपाल को कुछ हो जाता ना, तो मैं थारे को कभी माफ ना करती। अरे थारा कॉलेज इसके स्कूल से आधे घंटे पहले छूट जावे, तू टाइम पे क्यों नहीं पहुंची से लेने? बता। मासा, कॉलेज में ही देर हो गई थी। कैसे देर हो गई थी? देर कैसे हुई? क्लासरूम में पता नहीं कैसे आग लग गई।
थारे को पता है ना कितनी मुसीबतें झेल के थारे को एमबीए करवा रहे, इसलिए कि तू जाके कॉलेज में सो जाए। थारी गलती ना है, गलती मारी है जो कोलू के बैल को हल जुतवाने भेज दिया। दोबारा ऐसा नहीं होगा, एक मौका दीजिए। कितने मौके दूं छोरी, पहले दिन तो कॉलेज छोड़ के भाग के आ गई और अब कॉलेज में जाके सो रही। छोरी बख्श दे मारे को, कॉलेज में नाम कटवा दे, भाड़ में जाए मारे सपने और भाड़ में जाए थारी नंदों की उम्मीदें। मां साहब गलती हो गई, मां साहब गलती हो गई।